विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-on-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है, जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-on-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है, जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-on-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है, जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-on-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ
वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-on-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-on-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-on-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-on-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है। और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी
हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-पर-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-पर-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-पर-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-पर-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है।
फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है। विद्युत और उनके शानदार ढंग से तैयार किए गए एक्शन दृश्यों के लिए मूवी देखें। कहानी के हिसाब से फिल्म कुछ भी नया पेश नहीं करती है और वह सब कुछ जो हमने पहले देखा है। हाँ, आदमी अकेले ही बुरे लोगों को साफ करता है। हालांकि बात सभी को समझाने की है, अन्य बॉलीवुड एक्शन फिल्मों के विपरीत जहां नायक सिर्फ एक या दो चाल के साथ 4-5 बुरे लोगों को साफ करने में सक्षम है, यहां एक्शन और फाइटिंग सीन बहुत ही कायल और विश्वसनीय है, जैसे वास्तविक स्थिति में भी ऐसा कुछ हो सकता है। विद्युत एक एमएमए ट्रेनर है और वह एक ही बार में सभी खलनायकों से नहीं लड़ता है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में और 1-1 या 3-4 बुरे लोगों के खिलाफ एक ही बार में लड़ता है और जैसा कि पहले कहा गया है, यह सभी कायल है। फिल्म की यूएसपी साफ सुथरी और बड़े करीने से कोरियोग्राफ किया गया एक्शन सीन है, जहां दर्शक को एक सीन में 3-4 कट के विपरीत सभी स्टंट और जो कुछ भी हो रहा है वह भी देखने को मिलता है। विद्युत एक रत्न है और अपनी हर नई फिल्म के साथ वह कुछ नए एक्शन प्रदान करता है जिसे पहले बॉलीवुड में आजमाया और देखा नहीं गया है।